ज्वालामुखी पुलिस ने ट्रैफिक से रिलेटेड एक विशेष मुहिम चलाई है, जो दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट ट्रिपलिंग बस सड़कों पर तेज रफ्तार दौड़ रहे वाहन चालकों के चलान पुलिस उन्हें तंग करने के लिए नहीं बल्कि उनकी नीयत सुधारने के लिए करती है, ताकि वे आगे से ट्रैफिक के पूरे नियमों का पालन करें। इस संदर्भ में DSP तिलकराज ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि सड़क हादसों में 70% वाहन दोपहिया ही होते हैं, जो ज्यादातर दुर्घटना का शिकार होते हैं। ज्वालामुखी पुलिस ने ट्रैफिक से रिलेटिव एक विशेष मुहिम चलाई गई, जो दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट ट्रिपल राइडिंग व सड़कों पर तेज रफ्तार दौड़ रहे वाहन चालकों के चलान पुलिस उन्हें तंग करने के लिए नहीं बल्कि उनकी नीयत सुधारने के लिए करती है, ताकि वे आगे से ट्रैफिक के पूरे नियमों का पालन करें। इस संदर्भ में DSP तिलकराज ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि सड़क हादसों में 70% वाहन दोपहिया ही होते हैं, जो ज्यादातर दुर्घटना का शिकार होते हैं। जो युवक बिना हेलमेट ट्रिपल राइडिंग बस सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे वाहनों के चलान व उनके मोटरसाइकिल वॉर्न भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें जरूरत है कि पहले हम खुद ट्रैफिक के पूरे नियमों का पालन करें व बाद में दूसरों को सुधारें। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि माँ बाप अपने नाबालिग बच्चों को उनकी जिद पर वाहन थमा देते हैं, जबकि अभी तक उनके बच्चों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी तक नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए माता पिता भी कानून की नजर में उतने ही दोषी पाए जाते हैं जितने कि उनके बच्चे। उन्होंने कहा कि हमारा ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक सभी हेलमेट ना डालें। उन्होंने कहा कि हम ट्रैफिक नियमों को फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए लाभकारी है, ना कि किसी और के लिए। अगर आंकड़े देखे जाएं तो लाखों लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में होती है, इनमें से ज्यादातर 15 से 25 की उम्र के युवक शामिल हैं। लाइफ में एडवेंचर के लिए तेज गाड़ी चलाना हादसे की वजह बनता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक से रिलेटेड हम आजकल एक ड्राइव चलाई है हमने, विदाउट हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग कोई ना करे हमारे शहर में। उसके लिए हम बच्चों के जो लड़के यंग लड़के हैं जो तेज स्कूटर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनके मोटरसाइकिल हम इम्पाउंड भी कर रहे हैं और हिदायत कर रहे हैं कि आप हेलमेट डाल के चले, उनकी सेफ्टी के लिए है। इससे किसी और को कुछ नहीं मिलेगा, अगर वो हेलमेट डालेंगे खुदा ना खासा कहीं कुछ हो जाता है तो उनकी जान बचेगी। और ये अभियान हमारा लास्ट तक चलता रहेगा, जब तक सभी हेलमेट नहीं डालेंगे तब तक चलता रहेगा।